जय साईं राम भक्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कलयुग में भगवान श्री साईं बाबा की पूजा सबसे ज्यादा असरदार बताई गई है। इनकी पूजा पाठ से सबसे पहले फल प्राप्त होता है। कलयुग में साईं बाबा सबसे ज्यादा चमत्कारी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कलयुग में आप अगर साईं बाबा की भक्ति करते हैं तो आपको सबसे पहले असर दिखाई देगा। इनका पूजा करने से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपकी बड़े से बड़े कष्ट, पीड़ा और रोग को पल भर में दूर कर देगा। साईं बाबा के इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप किसी पुरानी से पुरानी बीमारी से भी ग्रसित हैं और वह जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो दोस्तों इस साईं मंत्र को आप अवश्य पढ़ लें। आपकी बहुत सी बीमारी दूर हो जाएगी। साथ ही हो सके तो जब समय मिले एक कापी में हर रोज इस मंत्र को एक पन्ना जरूर लिख लें। इससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और आपका दिन खुशनुमा होगा। इसके साथ ही भक्तों, अगर आप धन की परेशानी से परेशान हैं, तो साईं जी का यह महामंत्र आपके जीवन में स्वयं कुबेर जी भी धन का भंडार खोल देंगे। भक्तों, जब आप इस साईं महामंत्र का जाप करते हैं तो यह मंत्र आपके चारों ओर एक सूक्ष्म शक्ति बना देता है, और इस मंत्र की शक्ति के कारण ही जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। जहाँ भी आप जाएंगे, जो भी काम आप करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके साथ ही काला जादू और बुरी शक्ति भी इस साईं मंत्र से आपके ऊपर असर नहीं करती। माताएं अपने संतान की सुरक्षा के लिए इस साईं मंत्र का जाप जरूर करें। इसके साथ ही अगर आप नए व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सुबह 4 बार इस साईं मंत्र का जाप जरूर कर लें। उसके बाद ही आप अपनी कोई भी काम आरंभ करें तो देखिएगा, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। साईं का यह मंत्र अत्यंत सरल है और आसानी से इसे कोई भी जप कर सकता है। दोस्तों, अब हम आपको साईं के इस महामंत्र के जाप करने का तरीका बताएंगे और किस समय इस साईं मंत्र को जपना है यह बताएंगे। भक्तों, आपको यह मंत्र सुबह कांकड़ आरती के समय 5 से 6 बजे के अंतराल में जपना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है प्रातः काल में साईं बाबा शयन से उठते हैं और उस समय दिव्य शक्तियों का प्रभाव रहता है। जब शिरडी के साईं की कांकड़ आरती होती है और इस समय की हुई कोई भी पूजा और साधना जल्द ही सफल होती है। इसलिए भक्तों, इस समय आपको साईं का यह मंत्र जपना है। आप स्नान कर लें और 5 से 6 बजे के बीच ही अपना साईं का यह मंत्र जपना है। समय का आप सभी विशेष ध्यान रखें। स्नान करने के बाद आप कोई भी शांत जगह चुन लें जहां आप इस मंत्र का जाप कर सकें। अब आपको पूर्व दिशा में अपना मुंह करना है, जहां से सूर्य निकलता है। अब आप बैठ जाएं और अपने दोनों हाथ जोड़कर शिरडी के साईं का ध्यान करना है। और अब आपको साईं जी का यह मंत्र बोलना है। यह साईं मंत्र आप 4 बार बोलें, परंतु इसका जो प्रभाव है वह अत्यंत ही आश्चर्यजनक होता है और किसी भी असंभव कार्य को भी यह संभव कर देता है। यह ध्यान रहे कि आपको साईं का यह मंत्र श्रद्धा और विश्वास के साथ जपना है। मंत्र यह है भक्तों, ओम नमो श्री साईं प्रभु नमः। 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 हो सके तो आप इस मंत्र का आप गाना बना के भी गा सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, ओम नमो श्री साईं प्रभु नमः। 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 इस मंत्र का 4 बार पाठ करने के बाद अपनी जो भी परेशानी और मनोकामना है उसे साईं जी के सामने रखें और ऐसा महसूस करें कि शिरडी के साईं साक्षात आपके पास हैं और आप अपनी प्रार्थना साईं जी को रख रहे हैं। उसके बाद आप अपना आगे का कार्य प्रारंभ करें। तो यदि आप रोज यह कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। खासकर गुरुवार, विजयदशमी, गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, इन दिनों को भूलकर भी ना छोड़ें।
इन दिनों में अगर आप साईं के इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करती हैं तो और भी उत्तम है। और यदि हर दिन अगर आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो 4 बार अवश्य कर ले, इसका प्रभाव आपको कुछ ही समय में देखने को मिल जाएगा। आपको साईं की यह मंत्र का राज पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।